आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर के कोर्स एडीसीए की जानकारी। एडीसीए कोर्स क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी ड्यूरेशन लगभग 12 मंथ की होती है और ये 3 मॉड्यूल में तैयार किया जाता है। सबसे पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। इसमें कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, डाटा किसे कहते हैं, यूजर किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज क्या है, फादर ऑफ कैलकुलेटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विद फुल प्रैक्टिकल, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूजर क्या होते हैं, आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, ये सब डिटेल्स इसमें हम सीखते हैं। और डेस्कटॉप की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जैसे कि बैकग्राउंड को चेंज करना, कलर साउंड को चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना, डेट एंड टाइम के सेटिंग करना, ये सब चीज़ें भी हम कंप्यूटर फंडामेंटल से सीखते हैं। उसके बाद में ये तो थ्योरेटिकल सीखते हैं, उसके बाद में जब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं तो एमएस पेंट में हम पिक्चर बनाना, इमेज ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं। और एमएस पेंट एक पावरफुल ग्राफिक और इमेज एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें हम मनचाही इमेज को मनचाही ढंग से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में नोट पैड और वर्ड पैड, ये टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, इनमें हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट ये सब सीखते हैं, एक लेटर टाइप करना सीखते हैं, रिज्यूम बनाना सीखते हैं, और वेब पेजेस के लिए जो कीवर्ड्स बनाए जाते हैं वो सारे हम इसमें तैयार करते हैं। तो लगभग इसमें हमें लगता है इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने तक हम कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है वो सीखते हैं, और अगर अच्छे तरीके से सीखें तो इसको हम 3 महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। मोस्टली ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फंडामेंटल से ही क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपल सी का जो कोर्स ऑफ कंटेंट है वो भी इसी के बेस पे आधारित है। उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में जैसे कि पहले हमने इसमें हम सीखते हैं एमएस ऑफिस, और उसमें हम ट्रिपल सी में एमएस ऑफिस की जगह पे एमएस ऑफिस को हटाकर लिब्री ऑफिस कर दिया गया है। और एमएस ऑफिस में जैसे कि एमएस वर्ड होता है तो लिब्री ऑफिस में उसका नाम राइटर हो गया है, उसमें एमएस एक्सेल होता है तो उसमें कैल्क हो गया है, और उसमें प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट, इसमें इम्प्रेस हो गया है। कुछ शॉर्टकट कीज बदली हुई हैं, बाकी सब सेम ही रहता है। इसके अलावा फिर www. और इंटरनेट, ये चैप्टर आता है जो बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल से ही लिया गया है। और उसके बाद में इसमें जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, और ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल में हम फाइल को कैसे अटैच करते हैं, और कितने जीबी की फाइल को हम ईमेल से अटैच कर सकते हैं, ईमेल में सीसी और वीसीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। उसके बाद में व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर, लिंकडिन, इंस्टाग्राम, ये सब क्या होते हैं और इनकी आईडी कैसे बनाते हैं, इनमें कितने ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में कितने मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कितने अक्षर का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ये सब डिटेल हमें इसमें सीखनी होती है। इनके फाउंडर कौन है ये भी हमें जानना होता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमें जैसे कि इंटरनेट पे हो रहे अपराध के बारे में जानकारी, जैसे कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है,
डाउनलोडिंग क्या होती है और अपलोडिंग क्या होती है। इंटरनेट से जो भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाती है, और इन कंप्यूटर से जो हम नेट पे अपलोड करते हैं, भेजते हैं, तो उसे अपलोडिंग बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमें तैयार करने होते हैं। मेमोरी कार्ड डाउनलोडिंग क्या होती है और ई वैलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब क्या होते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, एटीएम कार्ड में कितने एटीएम कार्ड में जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, और सीवीवी पिन कितने अंक का होता है, और फाउंडर नेम, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करनी होती हैं। तो इस तरह से हम ये सब फंडामेंटल के थ्रू ही आता है, इसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, मोस्टली तीन ही चीज़ें ज़्यादा जरूरत में आती हैं, तो ये सीखते हैं। फिर हालांकि एमएस ऑफिस के 6 भाग होते हैं, तो हम चाहें तो और भी सीखें, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पब्लिशर और आउटलुक, थोड़ा थोड़ा इसकी भी जानकारी लेते हैं। और उसके बाद में फिर एक्सेल में जो पावरफुल फार्मूले हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए, वो हम सीखते हैं। लगभग जो ये 690 फार्मूले हैं वो हम तैयार करते हैं। उसके बाद में मल्टीमीडिया आ गया। मल्टीमीडिया में हम मोबाइल चिप लोडिंग कैसे करते हैं, वायरस डिटेक्टिंग एंड फॉर्मेटिंग, वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो उसका पता कैसे लगाएं, और फॉर्मेट को फॉर्मेट कैसे करें, मतलब डिलीट कैसे करें, ये भी हम सीखते हैं। एंटीवायरस को कैसे अपलोड करें, ये सब जानकारी इसमें लेते हैं। फिर नॉलेज ऑफ MP3 एंड MP4 एंड अदर फॉर्मेट्स, जो हमारे गाने होते हैं MP3 और MP4 के, वीडियो वाले गाने होते हैं, तो उनके फॉर्मेट क्या होते हैं, इनके अलावा और क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, HD क्या होता है, इस सब की जानकारी भी हम इसमें सीखते हैं। वीडियो कन्वर्टर एंड MP3 कन्वर्टर, जैसे कि हमारे वीडियो के गाने को MP3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम इसमें जानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट में ईमेल आईडी, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड नॉलेज ऑफ एंड्रॉयड, सिम्बियन, विंडोज मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। इसमें लगभग टोटल इतना सीखने में हमें 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने तक हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सीखते हैं। फिर उसके बाद में हमारा सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट होता है टैली, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं कि एक कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, जनरल लेजर कैसे बनाएंगे, कैश बुक कैसे बनाएंगे, इन्वेंट्री कैसे करेंगे, वाउचर कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, GST क्या होती है, और फंक्शन कीज क्या होती हैं, इनका कैसे यूज किया जाता है, ये टैली में हम जानेंगे। टैली लगभग हमारे 3 महीने की होती है, 3 महीने में हम टैली को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। इसके बाद में फिर हमारा थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होता है DTP। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम फोटोशॉप सीखते हैं, जैसे कि फोटोशॉप में बैकग्राउंड को चेंज करना, क्लोनिंग बनाना, और क्लोनिंग पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना, फ़ोटो कैबिनेट बनाना, फ़ोटो प्रिंटर से प्रिंट करना, और इंस्टॉलेशन एंड स्कैनिंग कैसे करते हैं प्रिंटर में, और एक प्रिंटर को कंप्यूटर में कैसे हम जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। उसके बाद में पेज मेकर सीखते हैं, जो पेज मेकर में जैसे कि टाइपिंग और डिजाइनिंग, फ़ोटो प्लेसिंग और प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें पेज मेकर में हम सीखते हैं। उसके बाद में कोरल ड्रा आता है। कोरल ड्रा में फ्लैक्स डिजाइनिंग, मैरिज कार्ड मतलब शादी कार्ड बनाना, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, और ID कार्ड डिजाइन करना, एंड अलग अलग तरीके के प्रिंटिंग वर्क्स जो होते हैं वो सारे हम कोरल ड्रा में भी सीखते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में HTML एंड DHTML, DHTL वेब पेज रजिस्ट्रेशन, ये कैसे क्या होता है ये सीखते हैं। और इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, जो मंगल फॉन्ट होता है इन और पृथ्वीदेव फॉन्ट होते हैं, उनमें हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। ये तो हो गया हमारा ADCA का कोर्स ऑफ कंटेंट। लगभग हमें अगर इतनी चीज़ें हम अच्छे से तैयार कर लें तो
हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट जो है ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो जरूरी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं वो हम अच्छे से सीख पाएंगे। इसके अलावा हम एक साल का कोर्स होता है, इसमें बीच में हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं और टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। मॉक टेस्ट के साथ ही साथ इसमें एनुअल एग्जाम होता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आज के समय में कंप्यूटर के बारे में क्या लोगों की सोच है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आज के युग को सूचना क्रांति का युग कहा जाता है और इस सूचना क्रांति का नायक कंप्यूटर है। हम सब किसी न किसी रूप से कंप्यूटरों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्रातः जिस अखबार को हम पढ़ते हैं उसकी टाइप सेटिंग, दूरदर्शन के कार्यक्रम, रेलगाड़ी, वायुयान, आरक्षण, दूरभाष, बिजली पानी आदि के बिल, रेडियो, वीडियो गेम्स या विज्ञापनों में उछलते कूदते पात्र, चिकित्सा जांच आदि सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संक्षेप में, कंप्यूटर द्वारा लाई हुई क्रांति से मनुष्य के जीवन में समय, कीमत, गुणवत्ता में श्रेष्ठता आई है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मानव प्रयुक्त आंकड़े, संख्याएं, शब्द, प्रतिमाएं, चित्र, श्रव्य तथा वीडियो फिल्म जैसे किसी भी सूचना स्वरूप को अपने अंदर संचित कर सकता है तथा उन्हें बहुत ही तेज गति से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके तथा संसाधित करके ऐसे रूप में बदलकर प्राप्त करा सकता है जो आसानी से समझा जा सके। कंप्यूटर कार्य कैसे करते हैं? कंप्यूटर एक आज्ञाकारी सेवक है जो आपके द्वारा दिए गए आदेशों का तुरंत पालन करता है। कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए उसे संपूर्ण एवं स्पष्ट आदेश देने होते हैं। दूसरे कंप्यूटर शब्दों में कंप्यूटर कोई जादुई मशीन नहीं है जो आप अपने आप स्वतः कार्य करता है। प्रत्येक कार्य के लिए कंप्यूटर को मानव सहायता के निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन आदेशों के क्रमबद्ध सूची को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर एक, गति। कंप्यूटर की गणना करने के लिए कंप्यूटर की गति बहुत ही तीव्र होती है और यह मनुष्य से ज़्यादा तेजी से गणना करने में सक्षम है। नंबर दो, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर के परिणाम शुद्ध होते हैं, साथ ही यह भी आवश्यक है कि आधुनिक अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर में फीड किए गए आंकड़े शुद्ध होने चाहिए। समाचार पत्रों में जितने भी उदाहरण कंप्यूटर गलती से आप पढ़ते हैं वह सब गलत आंकड़ों की फीडिंग से ही होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब संचय करना, तलाश कर निकालना। कंप्यूटर एक ऐसी छोटी सीडी में सैकड़ों किताबें समा सकती हैं तथा एक निर्देश से किसी भी सूचना को देखा या पढ़ा जा सकता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर साल साल एक ही परिणाम देता है जबकि मनुष्य से 1,000 अंकों का जोड़ लगवाया जाए तो विभिन्न परिणामों का अंतराल भिन्न हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुपयोग। कंप्यूटर गणना करने, संगीत सुनने, संचय करने, पिक्चर देखने, मकान का नक्शा बनाने आदि किसी भी कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के अवयव। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है। कंप्यूटर में गणना करने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, फिर भी मुख्य तौर पर कंप्यूटर में निम्नलिखित 5 भाग होते हैं। नंबर एक, प्रोसेसर या सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट उपकरण, द्वितीय स्मृति उपकरण, सेकेंडरी मेमोरी और प्रोग्राम। जिन मशीनों व उपकरणों को जोड़कर कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे एक को दूसरे शब्दों में यह समझ लें, कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप छू सकते हैं या देख सकते हैं सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर या अंक हैं। परंतु कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने से पहले उसे यह बताना होता है कि उसे कब, कैसे और क्या करना है। कोई भी कार्य करवाने के लिए क्रमबद्ध आदेशों के संग्रह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के संग्रह को सामूहिक रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि वीसीआर पर अलग अलग दो कैसेट लगाकर अलग अलग तरह की पिक्चर कार्यक्रम देखा जा सकता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बदल बदल कर विभिन्न कार्य करवाए जा सकते हैं। प्रोसेसर, जिसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें गणित की समस्त क्रियाओं की गणना तथा तार्किक निर्णय लेने की सारी संक्रियाएँ होती हैं। द्वितीय भाग कंट्रोल यूनिट, जो कि नियंत्रण का कार्य करता है या कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरणों, डाटा को इधर उधर क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद है एमयू, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को पढ़ना एवं अन्य संक्रियाओं के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। यह स्मृति स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। यह एक दूसरे शब्दों में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम, रीड ओनली मेमोरी।
की होती है, स्थायी स्मृति और अस्थायी स्मृति। एमएस वर्ड क्या है? यह एक विंडोज पर आधारित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य बड़ी आसानी से संपन्न किया जाता है। विंडोज पर आधारित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होने के कारण इसमें विंडोज की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर तथा गुणवत्ता युक्त वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य किया जा सकता है। एमएस वर्ड को कैसे शुरू करेंगे? जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने मॉनिटर पर एक प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है और इस पर हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और स्टार्ट बटन पर सर्च बार दिखाई देता है। सर्च बार में हम एमएस वर्ड लिखेंगे तो हमारा वर्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भी हम रन कमांड से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। उसमें विंडो प्लस आर बटन दबाने पर एक पॉपअप विंडो खुल के आती है और उसमें डायलॉग बॉक्स आता है। उसमें हम लिखते हैं, कमांड डालते हैं विन वर्ड, winword विन वर्ड लिखने पर और इंटर कर देते हैं तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। इस तरीके से हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं और एमएस वर्ड में मनचाहे तरीके के डॉक्यूमेंट्स को बनाकर और उसको एडिट कर उसको सेव कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड के बाद में हम एमएस एक्सेल में फार्मूले हमें याद करने होंगे। एमएस एक्सेल में हम फार्मूले सीख सकते हैं। एमएस एक्सेल एक अनेक खानों से बना स्प्रेडशीट कार्यक्रम होता है जिसकी सहायता से आप विभिन्न डाटाओं को सारणीबद्ध तरीके से रख सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सेल की विशेषता यह भी है कि इसके लिए आप विभिन्न प्रकार की गणनाओं को भी स्वतः ही कर सकते हैं। एक्सेल में प्रत्येक फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। किसी भी वर्कबुक के अंतर्गत अनेकों वर्कशीट हो सकते हैं। किसी वर्कशीट को कॉलम से तथा रोज में निर्मित जाली या ग्रिड समझा जा सकता है। प्रत्येक कॉलम को अंग्रेजी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है जबकि रो को संख्या से, कॉलम को रो के द्वारा बने किसी खाने सेल कहा जाता है। किसी सेल की पहचान उसके कॉलम के अक्षर और रो की संख्या द्वारा होती है। जैसे कि किसी सेल का कॉलम ई है और रो 5 है तो वह सेल E5 कहलाएगा। किसी भी सेल में टेक्स्ट संख्या गणितीय सूत्र मैथमेटिकल फार्मूलास की प्रविष्टि की जा सकती है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना है। चार्ट्स का प्रयोग करके आप अपने वर्कशीट में प्रविष्ट आंकड़ों को अनेक आकर्षक प्रकार के ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि ग्राफ के रूप में प्रदर्शित आंकड़े अधिक प्रभावशाली होते हैं और आप भी अवश्य ही अपने आंकड़ों को आकर्षक ग्राफ के रूप में देखना चाहेंगे। इस प्रश्न में चार्ट का प्रयोग करके ग्राफ बनाने के कुछ सामान्य ग्राफ बनाने की विधियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेशन। देयरफॉर इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज इट इज कंसीडर्ड एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद स्पीड बट टुडे इट्स डिटरमिनेशन हैज चेंज्ड बिकॉज नाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेशन। Today it is used for music, graphics, internet is also happening in many other areas. So now it can say that it is an electronic device that accepts data and after a wide step-by-step processing it changes into information and presents the output results. It accepts, stores and manipulates data. Computer शब्द की उत्पत्ति computer शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में हम इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कह सकते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को बहुत तेजी के साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना करने तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्राप्त प्रस्तुत करता है या डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और मैनिपुलेट करता है। कंप्यूटर का उद्देश्य
कंप्यूटर का उद्देश्य, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, बेसिक ऑपरेशंस, मल्टीमीडिया इत्यादि हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्राप्त कर और पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार अपने आप परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखता है या प्रोसीजरल निर्देशों के सेट के अनुसार सूचना या सिग्नल के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बे कंप्यूटर होते हैं, इनका प्रयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डाटा वैल्यू पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको प्रेशर, दबाव या कुछ अन्य कैलकुलेट गणना करनी है तो यह टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी। इसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है जो एक सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है या एक बाइनरी वैल्यू जीरो से लेकर एक के आधार पर कार्य करता है। जीरो को फॉल्स गलत और एक को ट्रू सिग्नल प्रेषित करता है। ये सिग्नल डिक्रीट होते हैं, इन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको माइक्रो प्रोसेसर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक ही कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है। ये पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। फिर है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग की जाती है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड मेमोरी होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में, यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्य के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके पास बहुत ही बड़े आकार का प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइसेस होती हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है। ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च भंडारण क्षमता वाले होते हैं। ये मल्टी यूजर में मल्टी टास्किंग डिवाइस है जो मेट्रोलॉजी में उपयोग होती है। इनका उपयोग बैंक, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होता है। सुपर कंप्यूटर या सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में ज़्यादा होती है। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूजर में तेज कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सामान्यतः न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के उद्देश्य से प्रयोग होती है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन है जो लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। हाइब्रिड कंप्यूटर है ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर की विशेषताओं के मिश्रण से बने होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, सबसे पहले कंप्यूटर का विकास गणना करने के लिए किए जाने वाले डिवाइसेस के रूप में किया गया। गणना करने के लिए डिवाइसेस के रूप में मैकेनिकल डिवाइसेस थी। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब एनालिटिकल और डिफरेंस मशीनों का आविष्कार किया जिसमें मेमोरी डाली गई। तो मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। बाद में आज के सभी कंप्यूटरों में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एनियक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग शुरू हुआ था। यूनिवेक फर्स्ट प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर है। कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1954 थी। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणना करना संभव किया। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक थी। इस कंप्यूटर में द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा और तेज कर दिया था। थर्ड जनरेशन 1965 से 1974 तक थी। इस कंप्यूटर में तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जिससे कि ये तुलनात्मकता, भरोसेमंद एवं तेज समझा गया। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1985 तक थी। कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही जनरेशन में काफ़ी तेज, भरोसेमंद और साइज में छोटा पाया गया था। फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक। पंचम जनरेशन में कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग किया गया। इस टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है या कंप्यूटर की IQ का इस्तेमाल भी करता है। कंप्यूटर का प्रयोग आजकल सार्वभौमिक हो गया है। बैंक के क्षेत्र में, इंटरनेट के लिए, हॉस्पिटल्स में, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के बिना कोई भी काम अब असंभव सा लग रहा है। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट, कंप्यूटर का जो CPU होता है उसके मुख्य मुख्य कंपोनेंट होते हैं पावर स्विच,
रीसेट बटन, सीडी डीवीडी रोम ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, फ्रंट यूएसबी पोर्ट, माइक, हेडफोन, इंडिकेटर लाइट, कीबोर्ड सॉकेट, पैरेलल पोर्ट, माउस सॉकेट इत्यादि, वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट में जब हम वीजीए केबल लगाते हैं तभी हमारे मॉनिटर में हमें चित्र दिखाई देते हैं। नेटवर्क स्लॉट होते हैं जिसमें हम नेटवर्क की पाइप को कनेक्ट करते हैं। फायरवॉल होता है, मदरबोर्ड होता है, फैन, सीपीयू, रैम, रोम, डिस्प्ले कार्ड, एक्सटेंशन स्लॉट्स, ये सब कंप्यूटर में साथ में आते हैं।